कैल्शियम भी एक बॉडी का मिनरल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और मोस्टली लोग जानते हैं कि बोन्स और टीथ में कैल्शियम का कितना बड़ा रोल है, बट फिर भी थोड़ा सा इस पे एम्फसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पता नहीं होता लोगों को कि टीथ का जो कैल्शियम है वो टीथ में रहता है और बोन्स का कैल्शियम जो है बॉडी यूज़ करती है. सो इसीलिए विद टाइम कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है. नॉट इन एवरीबडी बट मेनली इन ऑस्टियोपोरोसिस. तो अगर ये ऑस्टियोपोरोटिक वेमेन हैं जिनकी बोन जो है ना जाली की तरह हो जाती है, अंदर छनने लग जाती है, तो वो होता है कैल्शियम डिप्लीशन होती है बोन से. तो कैल्शियम की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. कैल्शियम का रोल होता है ट्रांसमिशन ऑफ आयरन टू द बॉडी टिश्यूज़. सो इन सारे रोल्स के बाद अगर मान लो आप कैल्शियम की आपको कमी हो रही है और आपने ब्लड टेस्ट कराया है या आपको सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कि कैल्शियम की कमी में मोस्टली फ्रैक्चर्स शुरू हो जाते हैं होने, एंड फिर जब आप टेस्टिंग कराते हो तो पता लगता है कि यू नो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. फिर कैल्शियम को रिप्लेस करना और पर ये भी बहुत कैल्शियम को कई बार रिप्लेस करना बड़ा ज़रूरी होता है, पर कई बार कैल्शियम की रिप्लेसमेंट की बजाय खाने से भी कैल्शियम हम दे सकते हैं बॉडी को. कैल्शियम रिप्लेसमेंट जनरली अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तभी किया जाता है इन अ रेगुलर बेसिस, अनलेस एक बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन है, उसके अलावा कैल्शियम की रिप्लेसमेंट नहीं की जाती. और क्योंकि कैल्शियम बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन या जो बच्चा लंबा नहीं हो रहा तो उसको कैल्शियम दिया जाता है ऑब्वियसली लेवल्स टेस्ट करने के बाद. सो जो कैल्शियम की एक्सेस हो जाती है उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड टेटनी विच इज़ द मसल गो इन टू टेटनी, मतलब कॉन्स्टेंट फायरिंग ऑफ मसल्स, एंड दैट कैन हैपन टू द हार्ट एंड अदर मसल्स. सो कैल्शियम की टॉक्सिसिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कैल्शियम की कमी है. व्हेन यू टॉक अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ कैल्शियम, नाउ कैल्शियम रिप्लेसमेंट इज़ यूजुअली डन इन फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स. What?